और हम निकल चुके हैं रानी जैस से कौसानी के लिए, और सामने सनसेट का क्या ही व्यू आ रहा है यार, बेहतरीन। वो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं वहां पे। What is the beautiful people out there? My name is Deepak Nair and welcome back to my YouTube channel Yatri DeCosta, and I hope you all are doing fantastic in your life. So after planning so many trips, finally हमारी एक ट्रिप आज सक्सेसफुल हो रही है। अरे अरे भाई 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 भाई, कहाँ जाना चाहते हो? लगभग 2 बजने वाले हैं और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए, जो कि होने वाला है कौसानी। एंड आज हम कवर करने वाले हैं, जो रूट कवर करने वाले हैं वो होगा भीमताल भवाली, वहाँ से रानीखेत सोमेश्वर, प्लस वहाँ से कौसानी। एंड ये अपना सफ़र बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इन टोटल वी आर 6 पीपल एंड मी एंड मयंक भाई आर गोइंग बाय आवर मोटरसाइकिल। एंड जो यश है, सुमित है, JD भाई हैं, विपुल दिवरा जी हैं, वो जा रहे हैं अपनी कार से, मतलब यश भाई की कार से। बेहतरीन बेहतरीन, वाह, नाइस। ये है ना भाई, शॉर्ट करके चक्कर में हम इतना लॉन्ग कट मार के दोबारा भीमताल भवाली वाले रोड पे आ चुके हैं। यश भाई फुल गाली बक रहा होगा क्योंकि ब्लैनों में उस रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। यार तो मयंक भाई है भाई, जो मैं इस रास्ते से लाया, नहीं मैंने कहा भाई सीधे मेन रोड वाले रास्ते चलते हैं, कह रहे वहाँ से वही का अलाउड नहीं है। हमने कहा इससे कैसे अलाउड नहीं है। सुबह हम पहुँच चुके हैं भवाली, और अपने लेफ्ट पे जो है ये नीम करोली बाबा का मंदिर, जो कि कैची धाम मंदिर के नाम से भी बहुत फेमस है। एंड यहाँ के ये मान्यता है कि अगर आप कभी भी डिप्रेशन या फिर आप थोड़ी बिजनेस क्राइसिस वगैरह में है, या फिर आपकी आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ आइए एंड यहाँ के बाबा जी का मत्था टेकिए, तो आपकी जो विश है, जो आपका बिजनेस है, वो फॉर श्योर सक्सेसफुल होगा, मतलब ये माना जाता है यहाँ पे। और इस मंदिर के काफ़ी फेमस बात ये है कि इस मंदिर में अपने फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग एंड एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स भी आके जा चुके हैं, एंड मार्क जुकरबर्ग ने यहीं तो अपने एक इंटरव्यू में बताई भी है। भाई अब जो रोड आने वाली ना, ये मेरे कुमाऊं हॉरिज़न की फेवरेट रोड है, मतलब इतना प्यारा पैच है ना भाई, ये इतना प्यारा, इधर तुम 70 से 90 में अच्छे से क्रूज़ कर सकते हो, और लेफ्ट साइड पे पूरी नदी, राइट साइड पे पूरे पहाड़, और आप एकदम बॉटम में, मतलब जो फील आता है ना इस रोड में भगाने का भाई, मतलब कहीं, मतलब इससे प्यारा फील पूरे पहाड़ों में कहीं नहीं आता। ये जो पैच है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल पैच है, अभी आप खुद देखना कितना प्यारा पैच है। A few moments later. यार अनफॉर्चुनेटली हम उस रूप वाले पैच से नहीं जा रहे हैं, हम लेफ्ट कट चुके हैं रानीखेत वाले रूट पे, एंड ये रूट भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है दोस्त। बगल में नदी, सामने बड़े बड़े पहाड़, मतलब ये वाला व्यू तो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा। नदी कितनी प्यारी लग रही है कसम से। मैंने वैसे ऑलरेडी कुमाऊँ पूरा कवर किया है, पर मैं इस वाले रूट पे कभी नहीं आया, मतलब मैंने लास्ट 2018 जून में गया था, मैं कुमाऊँ के ट्रिप पे गया हुआ था, उस समय मेरे GoPro नहीं था, मेरा YouTube चैनल भी नहीं था, एंड वो ट्रिप मैंने सोलो मारी थी। बट ये वाला रूट मैंने कवर नहीं करा था, सो ये रूट भी काफ़ी प्यारा है मेरे लिए, ऑब्वियसली नया है, सो मुझे और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चलते हैं आगे, अपने मयंक भाई हमारा वेट कर रहे हैं कहीं पे। सामने घर देखो कितना प्यारा सा बना हुआ है, पुराने ज़माने का, पूरा लकड़ी और स्टील से। और मयंक भाई मज़ा आ रही है? ऑल गुड, पहाड़ तो मज़ा आया, मस्त है नहीं इधर? बहुत सेक्सी भाई, ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलेगा, नैनीताल का भी ऐसा व्यू नहीं भाई। सारे भाई लोग चाय पकौड़ी के मजे लेते हुए हम पहुँच चुके हैं गाड़ी खाल। छोड़ो चटनी लेके आओ, कमेंट में लिख के ये ब्लैक टी शर्ट लड़का कौन है तो मेरा नंबर दे दिया। ठीक है ठीक है।
वो लड़का होना चाहिए लेकिन अगर मुझे ये ब्लैक टॉप इसमें कौन है कि वो ऊपर में तो मेरा मत देना। अभी ग्लेशियर है भाई वो नहीं जाना क्या मेरे एक्चुअल में ग्लेशियर है भाई वो क्या क्या है लोगो और अगर थोड़ा सा आगे चले गए ना तो नॉर्थ ईस्ट वाली ट्रिप भी पूरी हो जाएगी। ये सर ने बिल्कुल सही बात बोली हमारे जी सर। और बताइए अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो जेडी टूर एंड ट्रेवल्स भाई बीटल्स तू भी देख फोटो। सॉरी यार मैंने बोल दिया आवाज आ गई होगी फोटो। अरे यार खराब फोटो खराब कर दी। होए 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 ये है व्यू लिटरली। वो बादल कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। कौसानी अभी यहाँ से है लगभग 50 किलोमीटर तो हमें मोटा मोटा 1.5 घंटा लग सकता है पहुँचने में। रानी की जगह बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है सीरियसली। मतलब बहुत जगह गया हूँ बट दिल आ गया रानी के पे भाई, मतलब सेट। चलो हमें निकलते हैं, हमने यश भाई लोग काफ़ी आगे पहुँच गए हैं तो लोग पकड़ते हैं। होटल वाले का भी फ़ोन आ गया था, एक्चुअली होटल ही हमने होम स्टे करा है तो उनका कॉल आया था कब तक पहुँचोगे। तो अब यहाँ से गाड़ी थोड़ा सूतने स्टार्ट करते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं अंधेरा होने से पहले वरना ठंड बहुत बढ़ जाएगी। तो मिलता है सीधे होटल पे। सो फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड हम यहाँ अराउंड 7 कुछ पे पहुँच गए थे, उसके बाद सब फ्रेश वगैरह हुए। एंड ये वीडियो हमने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज अपना GoPro मतलब चार्ज पर लगा हुआ है, उसकी बैटरी लो हुई थी। तो आज हम जहाँ रुके हैं उस होटल का नाम है स्टे इन। मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। ऐसा कुछ रूम, ये वाला रूम गंदा हो रहा है, दूसरा वाला दिखाते हैं आपको। सो ऐसा कुछ अपना रूम है आज का एंड ये हमें काफ़ी अच्छे मतलब डिस्काउंट में मिल चुका है बिकॉज मतलब भाई ने हमें बहुत अच्छा इसका डिस्काउंट दे दिया था। सब में सारे भाई लोग बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे भाई लोग एकदम चल मार रहे हैं भाई। लास्ट के 50 किलोमीटर कैसे थे? बहुत सेक्सी। क्या खींची भाई गाड़ी, मतलब सब कुछ भूल जाओगे। मतलब ये बंदे ना मेरी ड्राइविंग नहीं बोलेंगे जिंदगी भर। हाँ और डिकोस्टा भाई की राइडिंग, हाँ ना इस ना अगले में दिखेंगे। और जो मैंने लीड किया तुम लोगों को डिकोस्टा जैसे बोलता है ना, भाई तेरे को लीड करने दे रहे थे। और ये वाला वीडियो इसको भाई मैंने कैसे रास्ते में पीछे फेंका ये जानता है। पास मांग मांग के पास मांग रहा मुझसे, ऐसे लगा बड़ा अबे लगा बड़ा और मजा बजा के ऐसे कर रहा है। और एक जगह पे फालतू से धूल किसने उड़ाई थी वो यही है ना भाई। हमारे भाई को कार मांगे चलना है पीछे वो दोस्तों का रहे हैं भाई, मस्त धूल वूल में डाल के बोल बन रहे हैं जारी करके बोल बन रहे हैं। 5 किलोमीटर के इसके पीछे बैठा हूँ और स्किड मार दी भाई ने। हम तो मैंने देखा स्किड मार दी भाई ने मस्त, की पूरा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दूंगा। स्किड बढ़िया नहीं थी गड्ढे में आसमान का था मेरे मुंह के सामने बोलने वाले थे। क्या बोलना है बताना क्या नहीं बोलना मैं ही उठाता। चलो यार ठीक है अपन लोग ना, तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या है उस हिसाब से बोलेंगे क्या बोलना है। टारगेट ऑडियंस हमारी कुछ नहीं है यार, बस नॉनवेज मटेरियल नहीं होना चाहिए ऐसे। फिर तो नहीं बोले अष्टमी चल रही ना यार, अष्टमी यहाँ तो ऐसे नॉनवेज तो नहीं होता ना। तो चलो यार इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं एंड होप यू ऑल लाइक द वीडियो। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। भाई मैं म्यूजिक भी गाऊंगा यार, क्या बात कर रहे हो। सच रहा सवेरा मेरे मन भर से कचरा अंधेरा तेरी जलती रो कचरा मिला जो तेरे दरबार से ओ मौला मौला। कुन फाया कुन फाया कुन।